गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं क्वीन एलिवेशन ऑफ क्वीन पोस्टर्स। ये क्वीन पोस्टर्स हम ड्राइंग करना सिखाएंगे। स्केल आप ले सकते हैं 1:25, 1:30, 1:80। 1 हमने 1:80 लिया है क्योंकि ये बहुत छोटा मैंने बनाया है, ठीक है ना। क्वीन पोस्टर्स 8 मीटर से 12 मीटर तक होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन पोस्टर। लॉन्गर स्पेन के लिए इस्तेमाल होता है क्वीन पोस्टर, और शॉर्टर स्पेन के लिए किंग पोस्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है। किंग पोस्टर्स शॉर्टर के लिए और लॉन्गर के लिए क्वीन पोस्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है। ये 12 मीटर का है, सबसे करके छोटा छोटा इसका पार्ट देख लीजिए क्या है। ये जो कॉमन राफ्टर है, यहाँ से लेके ये जो पतला गया है, ये जेसिट का होता है, ये कॉमन राफ्टर है। इस कॉमन राफ्टर और ये भी कॉमन राफ्टर हो गया, ठीक है। और नीचे का ये जो होता है, इसको बोलते हैं टाई बीम। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टाई बीम है, ये 12 मीटर का, ठीक है ना। 12 मीटर लॉन्ग स्पैन का टाई बीम है क्वीन पोस्ट। इसको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे दो पोस्ट हैं, एक ये दूसरा ये। इन दोनों पोस्ट को ही हम बोलते हैं क्वीन पोस्ट, ठीक है। किंग पोस्ट में एक लंबा सा होता है, एक ही होता है, मगर क्वीन पोस्ट में दो पोस्ट होते हैं, एक ये पोस्ट एक ये पोस्ट, इसको हम क्वीन पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेनिंग बीम, जब भी ऊपर का ये बीम होता है, ये स्ट्रेनिंग बीम होता है, और नीचे का क्या होता है, स्ट्रेनिंग सील होता है। ये दो क्वीन पोस्ट को अपने पोजीशन पे बनाए रखने के लिए स्ट्रेनिंग बीम और स्ट्रेनिंग सील का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। स्ट्रेनिंग बीम ऊपर में, स्ट्रेनिंग सील नीचे में लगा होता है, ठीक है। अब सारे पार्ट देते हैं। ये बोलते हैं पर्निंग, पर्लिन एंड क्लीट। ये पर्लिन और क्लीट क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं पर्लिन क्लीट, ये चीज, ठीक है ना। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये होता है पर्लिंग, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक गैप, और गैप समान रूप से समान जगह पे बराबर हो, इस गैप को बनाए रखने के लिए ये पर्लिंग का इस्तेमाल होता है। और ये पर्लिंग इधर खिसक ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि इधर स्लाइड में है, इधर खिसक ना जाए, इस खिसकने को रोकने के लिए ये क्लिट लगाया जाता है। ये क्लिट इस पर्लिंग को लॉक कर देता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि ये क्लीट है और ये पर्लिन है, ठीक है। और ये कॉमन राफ्टर, ये जीआई शीट का होता है, ठीक है। कॉमन राफ्टर पर जीआई शीट मानते, इधर ये जीआई शीट है, ठीक है। स्ट्रट, STRUT, ठीक है ना। एक स्ट्रट इधर है, दूसरा स्ट्रट इधर है, दो क्वीन पोस्ट, दो स्ट्रट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। एक प्रिंसिपल राफ्टर इधर है, दूसरा प्रिंसिपल राफ्टर इधर है, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल प्लेट लगा होता है जो इसको और वॉल से जो कनेक्ट करता है, किसको, ये जो ये वर्क होता है इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वॉल। ये ब्रिक वर्क होता है, रॉक का भी हो सकता है। और यहाँ देखिए स्टोन टेम्पल है, ये जहाँ पे रेस्ट करता है, ये बीम, कौन सा बीम, टाई बीम। टाई बीम जिसके ऊपर रेस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं स्टोन टेम्पल, ठीक है ना। स्टोन टेम्पल के जस्ट नीचे होता है सपोर्टिंग वॉल, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर देख लिया आपने, कॉमन राफ्टर ये है, ठीक है ना। रिजिड कवर, ये जो कवर है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए, क्योंकि ये तो यहाँ तक रहेगा, इसको ये होल कवर करेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिजिड कवर। रिजिड पीस, ये जो अंदर में इन दोनों को अपने पोजीशन में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है, रिजिड पीस, ये 40 and 200 mm का होता है, ठीक है ना। रिजिड बीम, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिजिड बीम, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर सारे चीज हो गया धीरे धीरे करके, जीआई शीट हो गया, टाई बीम। अच्छा, क्लियर स्पेन क्या है, हमने पहली क्लास में बताया है कि जहां तक हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्टिंग वॉल, ठीक है ना, जे सपोर्टिंग वॉल से इस सपोर्टिंग वॉल का डिस्टेंस जो होता है बीच का, उसको बोलते हैं क्लियर स्पेन। इफेक्टिव स्पेन होता है जहां तक ये हमारा टाई बीम अफेक्टेड करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टाई बीम। और ये जो टाई बीम के बाद ये जो थोड़ा सा काम हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रिक वर्क इनफिल। एक ब्रिक वर्क इनफिल, ये दो है, ठीक है, एक ब्रिक वर्क, दो ब्रिक वर्क हो गया, देख सकते हैं। ये ब्रिक वर्क इसलिए बना रहता है कि ये हमारा जो टाई बीम है अपने पोजीशन पे रहे, ये इधर नहीं खिसकेगा और ये इधर इधर नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज इसमें क्यों हो गई, क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, ये 12 मीटर को हमने लिया है, तो हमने 1/80 से डिवाइड किया है, तो देख सकते हैं ये 150 mm में ही हुआ है, ठीक है ना,
जीरो से लेकर ये 150 mm, ठीक है ना। इसको हमने 50 50 50 तीन भागों में डिवाइड किया है, इसमें से हमारा 50 में हमारा दो क्वीन पोस्ट बन गया है, ठीक है। बाकी 50 50 का इधर का हिस्सा है, ठीक है। ये ब्रिक वर्क इनफिल देख सकते हैं कि ये है, इसको एक बार हमने बताया ये। तो अब देख सकते हैं कि इफेक्टिव स्पिन का, जहां तक ये टाई बीम इफेक्ट करे इस वॉल के अंदर, उसको वहां से वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पिन। क्लियर स्पिन हम देख चुके हैं कि यहां से जहां तक हमें क्लियर क्लियर अंदर से दिखाई दे बने, यानी पूरा काम होने के बाद जो भी हमारा टाई बीम का स्पिन हमें क्लियरली विजिबल हो, व्यू हो, जो हम दिख सकता है, देख सकते हैं हम इजिली, उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पिन, ठीक है। ये हमारा हो गया है क्वीन पोस्ट ट्रस, ठीक है गाइस। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये क्वीन पोस्ट ट्रस है, इसमें हम बताएंगे इसके कंपोनेंट कौन कौन से, ठीक है ना। जरा गौर से देखिएगा क्वीन पोस्ट ट्रस के कंपोनेंट कौन है, ठीक है ना। पहला चीज, पहला तो खुद क्वीन पोस्ट है एक, और ये एक दो, ये पूरा इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ क्वीन पोस्टर्स। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रेनिंग बीन। इन दोनों क्वीन पोस्टरों को अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए जो होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनिंग बीन, ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। और ये स्ट्रेनिंग सील, ये तीन कंपोनेंट है, स्ट्रेनिंग सील ये नीचे वाला हो गया, ठीक है ना। इधर देखिए प्रिंसिपल राफ्टर, ये कंपोनेंट है इसका, ठीक है। ये देखिए पर्लिंस, ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। टाई बीम, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये स्ट्रट, ये स्ट्रस, ये स्ट्रट्स, ये भी हो गया कंपोनेंट ऑफ क्वीन पोस्टर्स, ठीक है ना। तो टोटल होते हैं तीन तीन छः सात आठ होते हैं, ठीक है ना। एक कहाँ गया देख लेता हूँ, पर्लिन, स्टर्स, टाई बीम, स्ट्रेनिंग सील नीचे का, क्वीन पोस्ट ये दो, ये और ये, स्ट्रेनिंग बीम टॉप का, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर, और ये होता है रिजिड बीम, ठीक है। सारे हो गए, ये होता है कंपोनेंट ऑफ कॉमन राफ्टर, किंग में भी होता है क्वीन में भी होता है। तो यहां पर क्वीन में क्या होता है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक और दो, ये होता है कंपोनेंट ऑफ क्वीन पोस्टर्स, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।